कि खासकर यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना तो अब पूरे तौर से यहाँ खरीद फरोख्त व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित होकर रह गया है। इस मामले में अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है, जिसकी एक ये भी खास वजह थी कि जिसके कारण हमारी पार्टी को सन 1995 में सपा सरकार से अलग होना पड़ा था और इसको लेकर उस समय सभी पार्टियां काफ़ी चिंतित भी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि अब वही गलती बीजेपी भी इस चुनाव में दोहरा रही है, जिससे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें भी काफ़ी कमज़ोर हो रही हैं, जो ये अति दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय भी है। इसलिए बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है और पार्टी के लोगों को ये निर्देशित किया है कि वे इस दौरान इस चुनाव में अपना समय व एनर्जी आदि लगाने की बजाय बल्कि अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा ताकि इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। और हमें इस बात की भी जानकारी है कि जब बीएसपी की यहाँ सरकार बन जाएगी तो तब प्रदेश के अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बीएसपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग सत्ता के बिना कतई भी नहीं चल सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखकर हमारी पार्टी ने यूपी में ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन यहाँ मैं इस चुनाव के संबंध में ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यदि हमें ऐसा लगता कि ये चुनाव निष्पक्ष होने वाला है तो फिर हमारी पार्टी ये चुनाव जरूर लड़ती और हमारे काफ़ी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी जरूर चुनकर आते। हालांकि बीएसपी ने अपनी सरकार के समय में चाहे छोटा चुनाव हुआ हो या बड़ा चुनाव हुआ हो उसमें ऐसी कुछ भी बेईमानी व धांधली आदि नहीं होने दी है, जिससे लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता यहाँ लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी इन सब बातों को ज़रूर गंभीरता से लेगी और यहाँ इस बार आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की ज़रूर सरकार बनाएगी। लेकिन इसके लिए यहाँ बीएसपी के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी ज़रूर सावधान रहना है, क्योंकि विरोधी पार्टियाँ एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत खासकर मीडिया के जरिए अभी से ही ये एक अफवाह फैलाने में लग गई है कि बीएसपी इस चुनाव की तैयारी के लिए जितनी सक्रिय होनी चाहिए उतनी नज़र नहीं आ रही है, ताकि पार्टी के लोगों का अभी से ही इस चुनाव में उत्साह कम हो जाए, जबकि उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि कोरोना महामारी की पहली लहर के ढीले पड़ते ही मैं फरवरी महीने के शुरू से ही यहाँ लखनऊ में मौजूद हूँ और यहाँ कोरोना नियमों का पालन करते हुए प्रदेश में पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने के लिए मेरी आए दिन पार्टी संगठन की छोटी बड़ी मीटिंगें बराबर चल रही हैं, जिन्हें मैं दूसरी पार्टियों की तरह दर्शाने के लिए रोजाना मीडिया आदि को नहीं बुलाती हूँ। इसलिए मीडिया को भी बीएसपी को कम नहीं आंकना चाहिए,
जिसको अपने देश में यहाँ लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ भी माना जाता है। वैसे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी यहाँ बीच बीच में अन्य राज्यों की भी बराबर मीटिंगें चलती रहती हैं, ये भी मैं आज मीडिया बंधुओं को अवगत कराना चाहती हूँ। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यूपी की जनता से उनके हित व कल्याण के लिए यही कहना है कि यूपी को बचाना है, बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है, लाना है व जरूर लाना है। यही समय व प्रदेश की आम जनता की मांग भी है, इसलिए चुनाव में बीएसपी का यही मुख्य नारा व उद्देश्य भी होगा।